आज का अपना पहला क्वेश्चन है, देखिएगा थर्ड ब्लॉक है कम्युनिकेबल डिजीजेस के रिगार्ड है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा फोर्थ फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, काफी इंपोर्टेंट है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, समझते हैं। विच इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ मलेरिया इन इंडिया, देखिएगा सिंपल सी इंडिया की बात की जा रही है कि मलेरिया का जो मोस्ट कॉमन कोज है इंडिया के अंदर वो क्या है। मलेरिया आप सबको पता है किसके थ्रू होता है, सर प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है, हमें पता है सर मलेरिया किसके थ्रू होता है, सर प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है। प्लाज्मोडियम के थ्रू किसके थ्रू स्प्रेड होता है, सर एक मॉस्किटो होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, जिसके थ्रू ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, हमें सर इतना पता है। नहीं पता तो याद रखेगा, मैं बताने वाला हूं, आप सुनने वाले हैं, आप समझने वाले हैं, आपको याद रखना है, चलेगा, समझ में आ गया यहां तक। तो क्वेश्चन यहां पर यह पूछा है कि बेसिकली अगर इंडिया की अपन बात करें, बेसिकली अगर इंडिया की अपन बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा और मोस्ट कॉमनली जो कारण होते हैं मलेरिया होने के, उसके पीछे कारण कौन सा होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर है, सभी क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सफिशियंट टाइमिंग आपको दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन हमें काफी सारे करने हैं, चलेगा। पहला ऑप्शन था यहां पर प्लाज्मोडियम ओविल, सेकेंड ऑप्शन था यहां पर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, थर्ड ऑप्शन था यहां पर प्लाज्मोडियम मलेरियाई, फोर्थ ऑप्शन था यहां पर नन ऑफ दी अबव, चलेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है कि मलेरिया जो होता है, मलेरिया एक वेक्टर बोर्न डिजीज मानी जाती है, आप सबको पता है मलेरिया वेक्टर बोर्न डिजीज है। इंडिया के अंदर अगर आप इसका कारण देखें तो सबसे ज्यादा कारण इंडिया के अंदर किस प्लाज्मोडियम के कारण से देखने को मिलता है, यानी सबसे ज्यादा मलेरिया के केस हैं इंडिया के अंदर किस प्लाज्मोडियम के कारण से देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा और भेजे में घुस गया होगा, चलेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बताते हैं वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर अपन देखा जाए, अगर हम कहें तो ये वेक्टर बोन डिजीज है और वेक्टर बोन डिजीज के साथ ये प्लाज्मोडियम से ट्रांसमिट होती है, यानी प्लाज्मोडियम के कारण से होती है, और प्लाज्मोडियम की अलग अलग यहां पर कैटेगरीज होती है, प्लाज्मोडियम अलग अलग यहां पर कैटेगरीज होती है, इसकी अलग अलग तरीके से स्पीसीज इसकी मानी जाती है, अलग अलग स्पीसीज लाइक इसकी ओवल स्पीसीज प्लाज्मोडियम ओवेल इसकी होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होती है, प्लाज्मोडियम मलेरिया होती है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होती है, फैल्सीपेरम होती है। तो यहां पर अगर मोस्ट कॉमनली अगर अपन बात करें इंडिया की, तो सबसे मोस्ट कॉमनली जो माना जाता है वो माना जाता है आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फर्स्ट नंबर पे कारण माना जाता है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में कारण माना जाता है इंडिया के अंदर मलेरिया होने का, क्या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मोस्ट कारण है, मोस्ट इंपोर्टेंट कोज है, मोस्ट कॉमन कोज है। उसके बाद अगर अपन बात करें सेकंड नंबर पे, अगर ऑप्शन में यहां पर वाइवेक्स नहीं होता तो फिर आपका आंसर क्या होता, सर फैल्सीपेरम होगा। सर यहां पर अगर वाइवेक्स अगर ऑप्शन में नहीं होता तो फिर फैल्सीपेरम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता, चलिएगा याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी से कह रहा हूं जो भी कनेक्टेड है क्लास के अंदर नोटबुक साथ में रखे, ताकि जो भी इंपोर्टेंट कीज पॉइंट आपको लगते हैं उनको आप नोट कर ले, ताकि आगे आपको जब भी इनकी जरूरत पड़े आप उनको एक बार से देख ले, ताकि कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डेड गलत आपका नहीं हो, क्योंकि मेरा टारगेट है आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और बिल्कुल इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाए, चाहे क्वेश्चन पेपर कैसा भी बन जाए, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूं, डोंट वरी, पेशेंस रखेगा, एक बार से हमारे ब्लॉक कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको प्रीवियसली सारे एग्जाम पेपर बता दिए जाएंगे और आरएचएस का जो पैटर्न है एग्जाम लेने का वो भी बता दिया जाएगा, डोंट वरी, पेशेंस रखेगा, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखेगा गेम्बुशिया फिश इज यूज्ड एज अ मॉस्किटो कंट्रोल मीजर इन विच डिजीज, देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है कि गेम्बुशिया जो फिश है जनरली मॉस्किटो कंट्रोल मीजर के अंदर किस डिजीज का प्रिवेंशन के लिए या किस डिजीज के लिए यूज किया जाता है, क्वेश्चन समझ में आ गया। गेम्बुशिया एक फिश है, मछली का नाम है गेम्बुशिया, तो ये जनरली किस टाइप के जो किस टाइप के मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, गेम्बुश या फिश है जनरली किस टाइप के मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया, चलेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन है यहां पर डेंगू, सेकेंड ऑप्शन है यहां पर मलेरिया, सॉरी फाइलेरिया, थर्ड ऑप्शन है यहां पर मलेरिया, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर चिकुनगुनिया,
चलिएगा जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, उसके बाद हम इसका राइट आंसर भी चेक करेंगे, राइट आंसर भी समझेंगे। फटाफट से बिल्कुल राइट आंसर आपको बताना है, कमेंट सेक्शन फटाफट से कर दे रही है, ताकि कोशिश करें कि जल्दी जल्दी आंसर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम निकाल सके। चलेगा, गेम्बूसिया जो फिश है वो किस टाइप के डिजीज के अंदर मॉस्किटो कंट्रोल के लिए या मॉस्किटो कंट्रोल मीजर के अंदर काम में लिए जाते हैं। चलिएगा जल्दी से आपको आंसर बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे हैं अपने पास, इसलिए जल्दी से कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलेगा, इसका अगर अपन करेक्ट आंसर जानना चाहे, करेक्ट आंसर अगर अपन देखें तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर मलेरिया, जो गेम्बूसिया फिश होती है वो मलेरिया की रिगार्डेड जो मॉस्किटो कंट्रोल मीजर्स हैं उसके अंदर शामिल किया जाता है, याद रखेगा भूलना नहीं है। अब अगर अपन यहीं पर जाने कि मॉस्किटो कंट्रोल मीजर के अंदर तीन टाइप के अलग अलग मीजर्स काम में लिए जाते हैं, तीन टाइप के अलग अलग मीजर्स काम में लिए जाते हैं, जिसके अंदर पहला मीजर होता है आपका एंटी लार्वल मीजर, कौन सा होता है, एंटी लार्वल मीजर्स होता है। सेकंड मीजर्स की अगर अपन बात करें तो एंटी अडल्ट मीजर्स होता है, कौन सा, एंटी अडल्ट मीजर्स होता है, याद रखिएगा। और थर्ड मीजर की अगर अपन बात करें तो थर्ड मीजर होता है यहां पर पर्सनल प्रोटेक्शन यहां पर होता है। तो तीन मीजर्स होते हैं यहां पर मलेरिया के मॉस्किटो कंट्रोल के रिगार्डेड, कौन से, मलेरिया मॉस्किटो कंट्रोल प्रोग्राम के मीजर्स के रिगार्डेड तीन प्रोटेक्शंस यहां पर होते हैं, तीन कंट्रोल मीजर्स यहां पर होते हैं। पहला मीजर्स होता है यहां पर एंटी लार्वल मीजर, याद रखेगा क्या होता है, एंटी लार्वल मीजर यहां पर होता है। सेकंड मीजर होता है एंटी अडल्ट मीजर होता है, और थर्ड मीजर होता है दैट इज अ पर्सनल प्रोटेक्टिव मीजर या पर्सनल प्रोटेक्शन यहां पर होता है। अगर अगर हम बात करें कि गेम्बूसिया जो फिश अपन यूज करते हैं, गेम्बूसिया फिश हम यूज करते हैं मॉस्किटो कंट्रोल के लिए, बेसिकली मलेरिया के लिए करते हैं, तो मलेरिया के लिए जो कंट्रोल करते हैं अपन मॉस्किटो कंट्रोल मीजर्स काम में लेते हैं, वो किस टाइप का कंट्रोल मीजर्स काम में लेते हैं, मॉस्किटो कंट्रोल मीजर जो काम में ले रहे हैं वो किस टाइप का लेते हैं, जो कि ये गेम्बूसिया जो फिश है वो किसके अंदर आएगा, किस टाइप के गेम्बूसिया जो सॉरी किस टाइप के एंटी मलेरियल के अंदर ये किसके अंदर आएगा, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। मॉस्किटो कंट्रोल मीजर के अंदर कौन से मीजर्स के अंदर आएगा, क्या वो एंटी लार्वल के अंदर आएगा, क्या एंटी अडल्ट के अंदर आएगा, क्या फिर पर्सनल प्रोटेक्शन के अंदर आएगा। अगर हम देखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन जानते हैं यहीं पर, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ये एंटी लार्वल मीजर के अंदर आएगा, यानी जो लार्वा हुआ है उसको पहले ही खत्म कर दिया जाएगा, यानी लार्वा को खाने वाली मछली है ये, एक तरीके से याद रखें जो मॉस्किटो का लार्वा वगैरह होता है उसको खाने वाली मछली है, सिंपल सी तरीके से अपन याद रखें। तो अगर अपन कहें गेम्बूसिया फिश किस मॉस्किटो कंट्रोल मीजर के अंदर आता है, तो ये आता है एंटी लार्वल मीजर के अंदर आता है, याद रखे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, नोट कर लीजिएगा, आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए याद रखेगा भूलना नहीं है। चलेगा मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उम्मीद है यहां तक सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो क्वेश्चन को सेशन को एक बार से लाइक शेयर करते रहिए ताकि सभी तक क्वेश्चन पहुंच जाए, क्योंकि अभी क्वेश्चन अपने काफी सारे बाकी हैं, काफी सारे क्योंकि अभी तो सेशन स्टार्ट ही हुआ है, अभी सेशन केवल हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, बाकी स्पीड अभी पकड़ने वाले। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन कहता है लिम्फेटिक फाइलेरिया इज नॉट कोज्ड बाय, जो लिम्फेटिक फाइलेरिया होता है, लिम्फेटिक फाइलेरिया होता है वो किसके कारण से नहीं होता है, यानी तीन ऑप्शन यहां पर ये हैं कि लिम्फेटिक फाइलेरिया कोज करते हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि लिम्फेटिक फाइलेरिया कोज नहीं कर सकता या नहीं करता, फटाफट से बताइए कौन सा गलत ऑप्शन यहां पर है। पहला ऑप्शन देखिएगा उचेरिया ब्रूजिया, सेकेंड ऑप्शन है यहां पर उचेरिया बैंक्रोफटाई, थर्ड ऑप्शन यहां पर ब्रूजिया मलाई, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर ब्रूजिया टिमोरी,
चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। जो लिम्फेटिक फाइलेरिया होता है उसका कारण यहाँ पर कौन नहीं है, यानी किसके कारण से लिम्फेटिक फाइलेरिया नहीं होता है, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी कीजिएगा ताकि अपन आगे बढ़े, क्योंकि क्वेश्चन सेशन के अंदर काफी सारे क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं, ऑलमोस्ट पूरे ब्लॉक को कोशिश करेंगे यहीं पर सोल्व हो जाए। चलेगा, लिम्फेटिक फाइलेरिया की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर देखिएगा, अगर अपन देखें तो उचेरिया बैंक्रोफटाइस के अंदर होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, उचेरिया बैंक्रोफटाइस के अंदर होता है। उसके अलावा ब्रूजिया मलाई भी होता है, ब्रूजिया मलाई भी होता है, उसके अलावा ब्रूजिया टिमोरी भी होता है। यानी अलग अलग तीन पैरासाइट होते हैं यहां पर। पहला पैरासाइट है दैट इज उचेरिया बैंक्रोफटाइ, सेकेंड पैरासाइट है दैट इज ब्रूजिया मलाई, थर्ड पैरासाइट है दैट इज ब्रूजिया टिमोरी। यानी तीनों के कारण से क्या होता है, लिम्फेटिक फाइलेरिया होता है। लेकिन जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है इसके कारण से लिम्फेटिक फाइलेरिया नहीं होता है, लिम्फेटिक फाइलेरिया नहीं होता है, उचेरिया ब्रूजिया के कारण से लिम्फेटिक फाइलेरिया नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यहां पर अगर अपन देखें तो ब्रूजिया जो है, सॉरी उचेरिया ब्रूजिया के कारण से आपका फाइलेरियासिस नहीं होता है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस नहीं होता है, याद रखेगा इंपोर्टेंट है। अगर तीनों की बात करें तो तीनों के कारण से होता है, उचेरिया बैंक्रोफटाइ जो कि मोस्ट कॉमनली होता है। उचेरिया बैंक्रोफटाइ की अगर बात करें अपन तो मोस्ट कॉमनली और वाइल्ड अपन देखें तो मोस्ट कॉमनली उचेरिया बैंक्रोफटाइ के कारण से होता है। उसके अलावा ब्रूजिया मलाई और ब्रूजिया टिमोरी के कारण से कम देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमनली किसके कारण से होता है, वुचेरिया बैंक्रोफटाइ के कारण से। अगर अपन बात करें तो इनका वेक्टर यहीं पर जान लेते हैं, तो वेक्टर के रिगार्डेड अगर बात करें, तीनों के वेक्टर के रिगार्डेड यानी मॉस्किटो के रिगार्डेड, किसकी बात करें, मॉस्किटो की अगर बात करें तीनों के रिगार्डेड, तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूं। अगर वुचेरिया बैंक्रोफटाइ की अगर अपन बात करें तो ये क्यूलेक्स मॉस्किटो के कारण से ट्रांसमिट होता है, किसके कारण से, क्यूलेक्स मॉस्किटो के कारण से ट्रांसमिट होता है। अगर हम बात करें ब्रूजिया मलाई की बात करें तो ये मानसोनिया के कारण से होता है, किसके कारण से, मानसोनिया के कारण से ये होता है, याद रखेगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो ब्रूजिया मलाई है उसका वेक्टर क्या है, उसका मॉस्किटो क्या है, यानी ये ब्रूजिया मलाई जो फाइलेरियासिस कोज करता है वो ट्रांसमिट किसके थ्रू होती है, यानी किस टाइप के मॉस्किटो के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ब्रूजिया मलाई मॉस्किटो हो गया आपका मानसोनिया। अगर हम कहें ब्रूजिया टिमोरी की, तो ब्रूजिया जो टिमोरी है ये भी मानसोनिया के थ्रू ही क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। मानसोनिया एक मॉस्किटो है, ठीक है। अगर मॉस्किटो यहां पर ऑप्शन में नहीं है, अगर मानसोनिया ऑप्शन में नहीं है तो ये एक और ऑप्शन यहां पर होता है, एनोफिलिन। तो दोनों यहां पर क्या करते हैं, ब्रूजिया टिमोरी को क्या करते हैं, कोज करते हैं, यानी ब्रूजिया टिमोरी के कारण से अगर फाइलेरियासिस हो रहा है तो उसका वेक्टर कौन होगा, या तो मानसोनिया होगा या फिर एनोफिलिन होगा, क्या होगा, एनोफिलिन होगा। लेकिन अगर अपन जनरली कहे तो जो बीच के दोनों हैं, पीछे के दोनों हैं, ब्रूजिया मलाई और ब्रूजिया टिमोरी, ये जनरली कमर और रेयर देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर भी ज्यादातर अपन अगर गए कहे तो ब्रूजिया टिमोरी काफी कम देखने को मिलता है, बाकी वुचेरिया बैंक्रोफटाइ और ब्रूजिया मलाई ये जनरली देखने को मिलता है। और मोस्ट कॉमनली अगर बात करते हैं अपन तो वुचेरिया बैंक्रोफटाइ जनरली ज्यादातर और मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। तो यहां से जो भी पॉइंट आपको याद रहे हैं बिल्कुल काफी अच्छी तरीके से याद रखना है, और जो भी नोट नहीं कर रहे तो प्लीज सबसे कहना चाह रहा हूं मैं, सब अपने क्वेश्चन के रिगार्डेड, अपने एग्जाम के रिगार्डेड इनको नोट करते रहिए ताकि आगे भी आपको इनकी हेल्प मिल सके। चलेगा सॉरी चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है फटाफट से नोट कर लीजिएगा ताकि सेशन को आगे बढ़ाए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उम्मीद करता हूं थर्ड क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और 100% यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। 100% यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा,
उचेरिया बैंक्रोफटाइज ट्रांसमिटेड बाय, चलेगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर कंसंट्रेशन के साथ आप देख रहे थे, कंसंट्रेशन के साथ क्लास में बने थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने है, चलेगा। उचेरिया बैंक्रोफटाइज जो कि क्या कोज करता है सर, फाइलेरियासिस कोज करता है। क्या कोज करता है सर? फाइलेरियासिस ये कोज करता है, जस्ट थोड़ी देर पहले अपने डिस्कस किया। तो ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? पहला ऑप्शन है मानसोनिया के थ्रू, सेकंड ऑप्शन है एनोफिलिन के थ्रू, थर्ड ऑप्शन है क्यूलेक्स के थ्रू, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव के थ्रू। चलेगा, जल्दी से आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। देखिएगा, अगर आपको देखा होगा, अगर आपने देखा होगा तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इनमें से एक तो इसका राइट आंसर है, तो नन ऑफ दी अबव तो मैंने आपको आंसर ऑप्शन हटा दिया है। अब तीन ऑप्शन है, फटाफट से आपको कमेंट करना है, मैं कुछ टाइमिंग आपको देता हूं, फिर इसका आंसर आपको बता दूंगा। चलिए जल्दी कीजिएगा। चलिएगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जो क्यूलेक्स मॉस्किटो हो, क्यूलेक्स मॉस्किटो है, उसके कारण से क्या होता है यहां पर? उचेरिया बैंक्रोफटाइज ट्रांसमिट होता है। उचेरिया बैंक्रोफटाइज क्या है सर? उचेरिया बैंक्रोफटाइज अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया यार, ये पैरासाइट है। क्या है ये? पैरासाइट है। और पैरासाइट के अंदर अपन ने देखा कि ये फाइलेरियासिस कोज करता है। क्या कोज करता है सर? फाइलेरियासिस ये कोज करता है। फाइलेरियासिस मतलब क्या सर? थ्रेड लाइक होते हैं। फाइलेरिया मतलब, फाइलेरिया मतलब होता है थ्रेड लाइक, फिलर जिसको बोलते हैं अपन, फिलर जिसको बोलते हैं। इसका मीन अगर अपन देखें तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ये होती है। कैसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है? जिसके कारण से ही फाइलेरियासिस होना होता है। क्या होता है? फाइलेरियासिस कोज होता है, जिसको अपन लिम्फेटिक फाइलेरियासिस भी कहते हैं, और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का भी पार्ट है। चलेगा, उचेरिया बैंक्रोफटाइज जो है वो किस मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है? आपका आंसर जाएगा सर क्यूलेक्स के थ्रू। किसके थ्रू? क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब स्पीड में कर रहा हूं, थोड़े क्वेश्चन की स्पीड में कर रहा हूं सेशन की, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम निकाले, क्योंकि हमारा टारगेट है आज इस ब्लॉक को पूरा करना, जो कि हम करेंगे, चाहे सेशन 2 घंटे का हो या 3 घंटे का हो। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। और सभी से कहना चाहूंगा सेशन को लाइक शेयर करते रहिए, जो भी क्लास में पहली बार आ रहा है, जो भी चैनल पर पहली बार आता है, वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से सेशन को वो देख सके, सेशन उनको मिल सके। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मोस्ट वर्ल्ड वाइड या मोस्ट वाइड स्प्रेड पैरासाइट ऑफ द लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज, देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए सबको याद होना चाहिए। देखिएगा, मोस्ट वाइडर स्प्रेड पैरासाइट ऑफ द लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होते हैं उसका मोस्ट कॉमनली और वाइड स्प्रेड पैरासाइट कौन सा है? चलेगा, पहला ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन है यहां पर फाइलेरिया ओम, फाइलेरिया ओर्म। सेकेंड ऑप्शन है उचेरिया बैंक्रोफटाई। थर्ड ऑप्शन है ब्रूजिया मलाई। फोर्थ ऑप्शन है ब्रूजिया टिमोरी। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। और उम्मीद करता हूं आपको याद होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है इस क्वेश्चन के रिगार्डेड। चलेगा, यहां पर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो उचेरिया बैंक्रोफटाई है, जो उचेरिया बैंक्रोफटाई यानी सेकेंड नंबर ऑप्शन, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उचेरिया बैंक्रोफटाई ये मोस्ट कॉमनली होता है। मोस्ट कॉमनली अगर बात करें अपन, मोस्ट कॉमन की अगर बात करें फाइलेरियासिस कोज करने के लिए, तो पैरासाइट है आपका उचेरिया बैंक्रोफटाई। उसके बाद अगर मैंने कहा था कि लेस कॉमन की अगर बात करें, सबसे कम जिस केस देखने को मिलता है फाइलेरिया के अंदर, जिसका सबसे कम कारण देखने को मिलता है, वो होता है आपका ब्रूजिया टिमोरी। यानी कि देख लीजिएगा, यहां से रेयर कंडीशन में केस देखने को मिलते हैं, यानी काफी कम लेस केस यहां पर देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे मोस्ट कॉमन और वाइड स्प्रेड अगर पैरासाइट की बात की जाए फाइलेरिया के रिगार्डेड, तो आपका आंसर जाएगा डायरेक्टली कहां पर जाएगा? डायरेक्टली आपका आंसर जाएगा वूचेरिया बैंक्रोफटाई पर। कहा जाएगा? वूचेरिया बैंक्रोफटाई पर। लेकिन अगर कहा जाए कि किस पैरासाइट के कारण से, बेसिकली तीन पैरासाइट मैंने बताया कि बेसिकली तीन पैरासाइट है जो कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कोज करवाते। कौन कौन से बताए सर? वूचेरिया बैंक्रोफटाई बताया,
ब्रूजिया मलाई बताया और ब्रूजिया टिमोरी बताया, तीन पैरासाइट है जो कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कोज करते हैं। ठीक है, उसके अंदर मोस्ट कॉमनली अगर बात अपन करते हैं तो वो होते हैं आपका वुचेरिया बैंक्रोफटाई होते हैं। अगर लेस कॉमन की बात करें या रेयर केस की बात करें तो होता है आपका ब्रूजिया टिमोरी। ब्रूजिया टिमोरी के केस काफी रेयर देखने को मिलते हैं, ना के बराबर केस देखने को मिलते हैं। बाकी वुचेरिया बैंक्रोफटाई और ब्रूजिया के केस देखने को मिलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा किसके वुचेरिया बैंक्रोफटाई के केस देखने को मिलते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है इसी तरीके से सेशन में कंटिन्यू बने रहेंगे तो पूरा ब्लॉग और पूरा सेशन आप इजीली और अच्छी तरीके से याद रख पाएंगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्स है। और क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। वेक्टर फॉर द ब्रूजिया मलाई पैरासाइट, चलेगा अभी बताए सारे क्वेश्चन मैंने अभी रिपीट करे, एक क्वेश्चन के अंदर ही बता दिए थे मैंने सारे क्वेश्चन। अब वन बाय वन आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप सोच लीजिएगा कि आपने लास्ट में जो मैंने समझाया उसमें से कितना आपको याद रहा है। चलेगा क्वेश्चन यहां पर सीधा सा ये कहा जा रहा है कि जो ब्रूजिया मलाई है, ब्रूजिया मलाई है जो कि एक पैरासाइट है जो कि क्या कोज करते हैं सर, फाइलेरियासिस ये कोज करते हैं। क्या कोज करते हैं? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस या फाइलेरियासिस ये कोज करते हैं। तो इसका जो वेक्टर है यानी मॉस्किटो है, यानी क्या है मॉस्किटो है, तो वो कौन से मॉस्किटो के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है? ब्रूजिया मलाई के रिगार्डेड क्वेश्चन आपसे पूछा है। चलेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है यहां पर क्यूलेक्स मॉस्किटो, सेकंड ऑप्शन है यहां पर मानसोनिया, थर्ड ऑप्शन है यहां पर एडीज, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर एनोफिलिन। चलेगा जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्रूजिया मलाई जो पैरासाइट है वो किस मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है, किस मॉस्किटो के थ्रू या किस वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होता है? चलेगा जल्दी से आंसर बता दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं तो ज्यादा टाइम यहां पर अपन लेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फटाफट से आंसर बता दीजिएगा। चलेगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है मानसोनिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ब्रूजिया मलाई के रिगार्डेड। तो तीन पैरासाइट की अलग अलग स्पीसीज हमने देखी थी, ब्रूजिया मलाई, ब्रूजिया टिमोरी और ऊचेरिया बैंक्रोफटाई। ऊचेरिया बैंक्रोफटाई जो है, ऊचेरिया बैंक्रोफटाई है उसका वेक्टर होता है आपका क्यूलेक्स, ब्रूजिया मलाई का वेक्टर होता है मानसूनिया और ब्रूजिया टिमोरी का वेक्टर भी आपका मानसूनिया या फिर एनोफिलिन होता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा था कि ब्रूजिया जो मलाई है उसका वेक्टर कौन होता है, यानी मॉस्किटो किस मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानसूनिया के थ्रू क्या होती है ट्रांसमिट होती है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, काफी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवन नंबर क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट है। देखिएगा सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझते हैं क्वेश्चन, इजिली आपको समझ में आएगा। देखिएगा द मॉस्किटो या विच मॉस्किटो कैन नॉट कोज द फाइलेरिया। चलिएगा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है, अभी तक जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही क्वेश्चन चल रहे हैं। और मैंने कहा है पूरे ब्लॉक को बिल्कुल इस तरीके से ढूंढ के फाड़ के चीर के जैसे भी आप समझे बिल्कुल निकाल के डाले सारे क्वेश्चन, इनके बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे। इसलिए सेशन को पूरा देखिए और कंसेंट्रेशन के साथ बने रहिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें थोड़ी सी कमी है तो टेस्ट सीरीज और ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल यहां से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जीवन एजुकेशन मिशन एजुकेशन के साथ अगर आप जुड़े हैं तो बिल्कुल विश्वास रखिएगा आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। चलिएगा यहां पर है ऑप्शन है मानसूनिया, सेकंड नंबर ऑप्शन है क्यूलेक्स, थर्ड नंबर ऑप्शन है एडीज, फोर्थ नंबर ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। चलिएगा जल्दी से आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सा मॉस्किटो है जो कि फाइलेरिया कोज नहीं करता है। चलिएगा जल्दी से आपको आंसर बताना है, कौन सा मॉस्किटो है जो कि फाइलेरिया कोज नहीं करता है। चलेगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है एडीज मॉस्किटो जो कि फाइलेरियासिस कोज नहीं करता है। अगर बात करें मानसूनिया की तो ये करता है,
क्यूलेक्स की बात करें तो ये करता है, लेकिन एडीज मॉस्किटो है जो कि फाइलेरियासिस कोज नहीं करता है। और आपसे पूछा था कि कौन सा मॉस्किटो कोज नहीं करता है फाइलेरियासिस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडीज मॉस्किटो है जो कि फाइलेरियासिस कोज नहीं करता है, एडीज मॉस्किटो है जो कि फाइलेरियासिस कोज नहीं करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा आगे बढ़ते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट नंबर, आठ नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कहता है देखिए समझते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा ये कहता है, विच डिजीज एन एलिफेंटोइड फीवर अकर, कौन सी डिजीज के अंदर एलिफेंटोइड फीवर होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया, एलिफेंटोइड फीवर जानते हो ना, नहीं जानते तो अभी जान जाओगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आपको बता दिया जाएगा। एलिफेंटोइड फीवर किस डिजीज के अंदर होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर है मलेरिया के अंदर, सेकेंड ऑप्शन है कालाजार के अंदर, थर्ड ऑप्शन है फाइलेरिया के अंदर और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर डेंगू के अंदर। चलेगा किस डिजीज के अंदर आपका एलिफेंटोइड फीवर देखने को मिलता है। चलेगा जल्दी से आपको आंसर देना है, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा जल्दी से आपको आंसर देना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको याद रखना है, आपको याद होना चाहिए क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है। चलेगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है फाइलेरिया। जो फाइलेरियासिस होती है आप सबको पता है, फाइलेरियासिस को जनरली अपन हाथी पांव कहते हैं, क्या कहते हैं, हाथी पांव कहते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है कि जो एलिफेंटोइड फीवर है वो किसके अंदर आता है, सर फाइलेरियासिस के अंदर ही आएगा, सर फाइलेरियासिस के अंदर ही आएगा, फाइलेरिया के कारण से ही एलिफेंटोइड फीवर देखने को मिलता है। और जनरली इसको एलिफेंटोसिस भी अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, जनरली इसको अपन एलिफेंटोसिस, जनरली इसको अपन क्या कहते हैं, एलिफेंटोसिस भी कह सकते हैं, एलिफेंटेसिस, एलिफेंटेसिस या एलिफेंटोसिस भी अपन जनरली इसको कह सकते हैं, जनरली इसको लिम्फो एडिनोमा भी कहते हैं, लिम्फो एडिनोमा भी इसको जनरली कहते हैं, याद रखिएगा। तो हाथी पांव से रिगार्डेड अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल फाइलेरिया है, बिल्कुल क्या है, फाइलेरिया है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने काफी इंपोर्टेंट है, देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझना जरूरी है, आपको इजीली क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन ये कहता है कि इन विच डिजीज ब्लड इज कलेक्टेड इन अ नाइट फॉर द इन्वेस्टिगेशन। देखिएगा काफी सिंपल सा, काफी इजी सा क्वेश्चन है कि कौन सी डिजीज के अंदर जो सैंपल कलेक्ट करते हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए वो नाइट में करते हैं। चलिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, क्या क्वेश्चन है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं किस डिजीज के अंदर ब्लड सैंपल नाइट के अंदर कलेक्ट करते हैं। जनरली आपने अभी तक देखा होगा, जनरली आपने क्लिनिकली प्रैक्टिस के अंदर देखा होगा, अगर आप गए तो हॉस्पिटल के अंदर, तो जनरली जो लेबोरेटरिकल जो भी जांच होती है, टेस्ट वगैरह होते हैं, उनके अंदर सैंपल कलेक्शन कभी भी कर लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि दिन में करे ना रात में करे। लेकिन यहां पर एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर सैंपल कलेक्शन करते हैं वो नाइट के अंदर करते हैं। चलिए कौन सी डिजीज कंडीशन ऐसी है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिएगा जल्दी से आपको आंसर देना है, पहला ऑप्शन यहां पर है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, पहला ऑप्शन यहां पर लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, सेकंड ऑप्शन है यहां पर डेंगू, थर्ड ऑप्शन यहां पर जापानीज एनसेफेलाइटिस, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर ओकल्ट फाइलेरियासिस। चलिएगा जल्दी से आपको आंसर देना है कि किस डिजीज के अंदर जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए सैंपल कलेक्ट करते हैं, ब्लड कलेक्ट करते हैं, वो नाइट के अंदर कलेक्ट करते हैं। चलेगा जल्दी से आपको आंसर देना है, फिर इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। चलेगा जल्दी कीजिएगा। चलेगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर नाइन का, सॉरी क्वेश्चन नंबर नाइन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ओकल्ट फाइलेरियासिस, जो ओकल्ट फाइलेरियासिस होती है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस अलग होती है, ओकल्ट फाइलेरियासिस अलग होती है, लेकिन ये फाइलेरियासिस के ही पार्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। जो ओकल्ट टाइप का फाइलेरियासिस होता है उसके अंदर जो ब्लड कलेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, जो ब्लड कलेक्शन करते हैं वो जनरली क्या करते हैं, ब्लड कलेक्शन कब करते हैं, नाइट के अंदर करते हैं, याद रखिएगा, नाइट के अंदर करते हैं। आप क्वेश्चन करेंगे सर नाइट के अंदर ही क्यों करते हैं, दिन में क्यों नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन आप करेंगे, तो करिए एक बार क्वेश्चन करिए मेरे से कि क्यों करते हैं ऐसा। तो देखिएगा ये इसलिए करते हैं क्योंकि नाइट के अंदर जो ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं उनके अंदर जो माइक्रोफिलेरिया होती है, माइक्रोफिलेरिया होती है, माइक्रोफाइलेरिया जो होती है वो थिक होती है। कैसी विजिबल होती है, थिक विजिबल होती है, जिनको आसानी से स्टेन कर लिया जाता है, जिनको आसानी से स्टेन कर सकते हैं। किसके थ्रू स्टेन करते हैं तो वो भी याद रखना है आपको, उसको स्टेन करते हैं अपन गिमेशा के थ्रू, किसके थ्रू, गिमेशा के थ्रू, किसके थ्रू, GEMSA गिमेशा के थ्रू, या फिर हिपेटो सॉरी, या फिर इसको करते हैं अपन जनरली ईओसिन के थ्रू, किसके थ्रू, ईओसिन के थ्रू इसको स्टेन करते हैं, जनरली किसके थ्रू स्टेन करते हैं, याद रखेगा, याद रखिएगा, किसके थ्रू स्टेन करते हैं। आपका आंसर जाएगा सर, इसका आंसर जाएगा क्या, इस आंसर जाएगा एक तो गिमसा के थ्रू करते हैं या फिर ईओसिन के थ्रू करते हैं, या फिर जनरली इसको हिमेटोजाइलिन के थ्रू भी स्टेन करते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ओकल्ट फाइलेरियासिस होता है उसका अपन नाइट के अंदर ब्लड कलेक्शन करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, आपका कारण होगा कि सर नाइट का जो सैंपल लेते हैं उसके अंदर जो माइक्रोफाइलेरिया जो होती है वो अच्छी तरीके से विजिबल होती है, यानी थिक स्मियर उसका इजीली बन जाता है, थिक स्मियर उसका इजीली विजिबल हो जाता है। और स्टेन किससे करते हैं, तो स्टेन करने के लिए याद रखेगा गिमसा या फिर ईओसिन से या फिर हिमेटोजाइलिन से उसका स्टेन करते हैं। तो स्टेनिंग के लिए क्या काम में लेते हैं, आपका आंसर जाएगा सर गिमसा काम में लेते हैं, सर ईओसिन काम में लेते हैं, सर हिमेटोजाइलिन काम में लेते हैं, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा या फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आगे बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है यहां तक सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो जनरली अपन इसको नॉक्चुरल प्रियोडिक्टिसिटी कह सकते हैं, नॉक्चुरल प्रियोडिक्टिसिटी अपन इसको कह सकते हैं। इस टेस्ट को जनरली अपन क्या कह सकते हैं, नॉक्चुरल मतलब नाइट में, नॉक्चुरल मतलब क्या होता है, नाइट में, क्या, नॉक्चुरल प्रियोडिक्टिसिटी देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है कि नॉक्चुरल प्रियोडिसिटी जो होता है या नॉक्चुरल प्रियोडिक्टिसिटी जो होता है वो जनरली किसके लिए काम में लिया जाता है। आपका आंसर जाएगा सर ओकल्ट फाइलेरियासिस के लिए, किसके लिए, ओकल्ट फाइलेरियासिस के लिए वो होता है। सर ये होता क्या है, नॉक्चुरल प्रियोडिक्टिसिटी या नॉक्चुरल प्रियोडिक्टिसिटी, तो आपका आंसर जाएगा कि सर जो सैंपल कलेक्शन करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए वो नाइट में करते हैं, नॉक्चुरल से समझे नाइट, नॉक्चुरल मतलब जानते हो ना नाइट होता है, बिल्कुल नाइट में सैंपल कलेक्शन करते हैं। तो आपका और क्वेश्चन बन जाएगा सर इसको जो सैंपल कलेक्शन करते हैं उसको स्टेन किससे करते हैं, तो आपका स्टेन करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि गिमसा से करते हैं, किससे करते हैं, गिमसा से करते हैं, या फिर ईओसिन से करते हैं, या फिर हिमेटोजाइलिन से करते हैं, हिमेटोजाइलिन से उसको स्टेन करते हैं। तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेगा, भूलना नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट है और उम्मीद करता हूं अभी तक जो भी पढ़े अपन, जो भी हमने समझे हैं, उम्मीद है वो आपको समझ में आ रहे होंगे और उम्मीद है वो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है, आपके पूरे ब्लॉक को तोड़ मरोड़ के पढ़ेंगे, बिल्कुल मजा आएगा, मजा आ रहा होगा क्लास के अंदर। चलेगा, विच डिजीज इज कोज्ड बाय द प्लाज्मोडियम, सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सी डिजीज जो कि प्लाज्मोडियम के थ्रू कोज होती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा ऑलमोस्ट। चलिएगा जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कि प्लाज्मोडियम के थ्रू कौन सी डिजीज कोज होती है, जल्दी कीजिएगा, टाइमिंग कम है क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे हैं। प्लाज्मोडियम के थ्रू कौन सी डिजीज कोज होती है, ऑप्शन है मलेरिया, ऑप्शन ए फाइलेरिया, ऑप्शन सी है जापानीज एंसेफेलाइटिस, ऑप्शन डी है यहां पर कालाजार। चलेगा जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलेगा, जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी कीजिएगा ताकि आगे बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, आप सबको पता होगा, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के थ्रू ट्रांसमिट होता है, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के थ्रू ट्रांसमिट होता है, प्लाज्मोडियम के थ्रू कोज होता है। और इसके अंदर भी सबसे मोस्ट कॉमनली स्पीसीज मैंने बताई वाइवेक्स, क्या है वाइवेक्स, जनरली इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन वाइवेक्स है, वाइवेक्स के बाद फैल्सिफेरम है, वाइवेक्स के बाद क्या है फैल्सिफेरम है। तो दो स्पीसीज आपको याद रखनी है, अगर प्लाज्मोडियम के थ्रू कोई डिजीज हो रही है तो यहां पर ऑप्शन में है आपका मलेरिया, मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम के थ्रू ट्रांसमिट होती है, प्लाज्मोडियम के थ्रू होती है, ट्रांसमिट किसके थ्रू होती है सर, किसके थ्रू, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के थ्रू और फैल्सिफेरम के थ्रू। अगर ट्रांसमिट की बात करें तो ट्रांसमिट किससे होता है सर, प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफिलीज से होता है, मॉस्किटो होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है, याद रखेगा, तीनों चारों क्वेश्चन यहां से आपको कंप्लीट हो जाने चाहिए, याद रखना चाहिए, भूलना नहीं है। क्या क्वेश्चन समझे सर, प्लाज्मोडियम से होने वाले डिजीज है, दैट इज मलेरिया, और मलेरिया के जो बेसिक फिजीज माने जाते हैं वो माने जाते हैं वाइवेक्स, क्या माने जाते हैं वाइवेक्स और फैल्सिफेरम। अगर इसका ट्रांसमिशन होता है तो किससे होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है, याद रखेगा, तीनों चारों क्वेश्चन यही पर मैंने बता दिए। चलेगा आगे बढ़ते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। चलेगा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, चलेगा अभी थोड़ी देर पहले बता दिया यार मैंने, गलती कर दी बता के, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया, याद हो गया तो चलेगा, आंसर बता दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, मलेरिया किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, चलेगा आंसर बताएगा, पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, सेकंड ऑप्शन यहां पर देखेगा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा फीमेल एजप्टी मॉस्किटो, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर देखेगा फीमेल एल्बोपिटस मॉस्किटो। चलिएगा जल्दी से आपको आंसर दे देना है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपको याद होना चाहिए, और फटाफट से इसका राइट आंसर आप बता दीजिए, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इसलिए कंसंट्रेशन के साथ क्लास में बने रही है, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये इसलिए रिलेटेड है क्योंकि आपका ब्लॉक का बिल्कुल जूस निकल के क्वेश्चन आए, बिल्कुल हर लाइन से क्वेश्चन बनाए, और हर लाइन से क्वेश्चन अगर आपको याद है तो फिर क्वेश्चन कहां जाएगा, बाहर थोड़ी जाएगा, जाएगा तो यही, इसलिए याद रखेगा, कंप्लीट पढ़िएगा, कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ क्लास में बने रहेगा। और इसी तरीके से सेशन लेने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं या बार बार डेली विजिट करते हैं सेशन के अंदर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से सेशन आपको कंटिन्यूअसली पूरे सिलेबस के रिगार्डेड आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, डेली अप टू डेट सेशन आपको मिल रहा है। और ज्यादा अगर आपको चाहिए कि नहीं हमें तो इनके अलावा भी चाहिए, तो अभी जाइए मिशन एजुकेशन ऐप पर, वहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको डेली टेस्ट देखने को मिलेगा। चलेगा नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है, और जो कि क्या कहता है देखिए समझते हैं, क्वेश्चन कहता है द बाइट ऑफ फ्लेबोटोमस अर्जेंटिप्स ट्रांसमिट क्या करता है। चलेगा अगर यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है फ्लेबोटोमस अर्जेंटिप्स ट्रांसमिट करता है, किसको ट्रांसमिट करता है, चलेगा जरूर जल्दी से आपको आंसर बताना है, फ्लेबोटोमस अर्जेंटिप्स जो होता है किसको ट्रांसमिट करता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर है आपका फाइलेरिया, सेकंड ऑप्शन यहां पर है आपका पहला ऑप्शन है फाइलेरिया, सेकंड ऑप्शन है मलेरिया, थर्ड ऑप्शन है कालाजार, फोर्थ ऑप्शन है जापानीज एंसेफेलाइटिस। चलेगा जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फ्लेबोटोमस अर्जेंटिप्स जो है वो ट्रांसमिट करता है, किसको ट्रांसमिट करता है। चलेगा जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फ्लेबोटोमस अर्जेंटिप्स, फ्लेबोटोमस अर्जेंटिप्स किसको ट्रांसमिट करता है, आंसर आपको देना है, बिल्कुल राइट आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फटाफट से कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलेगा। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है कालाजार। बिल्कुल कालाजार को ट्रांसमिट करता है, जो फ्लेबोटोमस अर्जेंटिप्स होता है वो कालाजार को ट्रांसमिट करता है। और जनरली ये किसके थ्रू होता है, जो कालाजार होता है जनरली पैरासाइट के थ्रू होता है, पैरासाइट के थ्रू होता है। और जनरली इसको लीशमानियासिस बोलते हैं, लीशमानियासिस भी बोलते हैं, आप सबको पढ़ा होगा, आप सबने पढ़ा होगा, ये लीशमानियासिस या लीशमानिया के थ्रू ये होता है। जनरली अगर अपन कहे जो ये फ्लेबोटोमस अर्जेंटिप्स है, ये जनरली क्या है सर, सैंड फ्लाई है। क्या है सर, सैंड फ्लाई है, याद रखेगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये, सैंड फ्लाई है। जो फ्लेबोटोमस अर्जेंटिप्स है वो सैंड फ्लाई है, और स्पेशली अगर बात करें तो फीमेल फ्लेबोटोमस अर्जेंटिप्स ये है। क्या है, फीमेल फ्लेबोटोमस अर्जेंटिप्स है जो कि सैंड फ्लाई है, जो कि कालाजार को ट्रांसमिट करती है। और जनरली इस कालाजार को लेशमानिया भी कहते हैं, लेशमानियासिस भी कहते हैं। याद रखेगा, यहां से जो भी क्वेश्चन आप याद रख सके सब याद रखेगा, नोटबुक साथ में रखेगा ताकि आप नोट करते रहे, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ आपको पांच क्वेश्चन यहां पर मिल रहे होंगे हर क्वेश्चन के रिगार्डेड। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। लेकिन सेशन को लाइक शेयर करते रहिए, बस इतना ही आपको करना है, बाकी क्लास को कंटिन्यू बने रहे, क्लास को मजे लेकर देखते रहे और इसी तरीके से पढ़ते रहे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये कह रहा है, इंडियन लेशमानियासिस इज द अनोदर नेम ऑफ विच डिजीज। चलिएगा थोड़ी देर पहले मैंने बताया वो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि जो इंडियन लेशमानियासिस होता है वो किसका अदर नेम है। चलेगा जल्दी से आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है जापानीज एंसेफेलाइटिस का, सेकंड ऑप्शन है कालाजार का, थर्ड ऑप्शन है पर्टुसिस का, फोर्थ ऑप्शन है डिप्थीरिया का। चलिएगा क्या इसका राइट आंसर होगा, फटाफट से अपना आंसर आपको बताना है, फिर इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। उम्मीद है सबको याद होगा, सभी को मैंने इसका आंसर बता दिया है ऑलरेडी। चलेगा चलेगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि जो फ्लेबोटोमस अर्जेंटिप्स जो होता है, फीमेल फ्लेबोटोमस अर्जेंटिप्स जो कि सैंड फ्लाई से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, कालाजार होता है। और कालाजार को अपन क्या कहते हैं, लेशमानियासिस कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नहीं बताया, बिल्कुल बताया सर, आपने पहले ही बता दिया और हमें याद था इसलिए आंसर भी लगा दिया। तो इसी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए, आपको सभी क्वेश्चन बिल्कुल इजीली और इस एग्जाम में भी बिल्कुल इजी तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर सेशन आपने पूरा देखा और कंप्लीट देखा ना, तो इन ब्लॉक के अलावा आपसे क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछा जाएगा। जो सेशन में बता रहा हूं ना आपको, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। और आप जाएंगे ना तो दो घंटे का पेपर एक घंटे में कर देंगे, फिर आप कहेंगे कि हाँ सर मजा आ गया पेपर करने का, बस इसी तरीके से। लेकिन कंसंट्रेशन के साथ क्लास में बने रहेगा और इसी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ सेशन को लेते रहिएगा, डेली अप टू डेट चलेगा। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, 14 नंबर क्वेश्चन है, और 14 नंबर क्वेश्चन कहता है जापानीज एंसेफेलाइटिस ट्रांसमिटेड बाय, जापानीज एंसेफेलाइटिस है वो जनरली किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, जापानीज एंसेफेलाइटिस है जनरली किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। फटाफट से आंसर आपको देना है कि इसका करेक्ट आंसर होगा, उसके बाद इसका राइट आंसर आपको दिया जाएगा। फटाफट से कीजिएगा, किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है जापानीज एंसेफेलाइटिस। पहला ऑप्शन यहां पर क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू, सेकंड ऑप्शन है यहां पर एनोफिलिन्स के थ्रू, थर्ड ऑप्शन है यहां पर एजेप्टी के थ्रू, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर एडीज के थ्रू। चलेगा जल्दी से आपको आंसर बताना है कि जापानीज एंसेफेलाइटिस किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। चलेगा जल्दी से आपको आंसर देना है, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा जापानीज एंसेफेलाइटिस है जनरली अगर बन बात करते हैं तो ये क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है। किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है। कौन, जापानीज एंसेफेलाइटिस, याद रखिएगा भूलना नहीं है। जापानीज एंसेफेलाइटिस जनरली किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है। किसके थ्रू, क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है, याद रखना है, भूलना नहीं है आपको, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।